विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, सरसों की नई किस्म पूसा 32 खाने और उगाने दोनों में लाभदायक, मशीन लर्निंग तकनीक से तैयार होगी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान की किताबें, और बीजापुर कर्नाटक के गिरीश भद्रागौड़ ने एक ऐसा बोरवेल स्कैनर बनाया है जिससे आसानी से भूजल स्तर का पता लगाया जा सकता है। सरसों के तेल में इरुसिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका सेवन सेहत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए देश के कृषि वैज्ञानिक लंबे समय से सरसों की ऐसी किस्म तैयार करने में लगे हुए थे जिसमें इरुसिक अम्ल की मात्रा न्यूनतम हो और वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक न हो। वैज्ञानिकों ने सरसों की एक नई किस्म पूसा 32 तैयार की है जो खाने और उगाने दोनों में लाभदायक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरसों के तेल में इरुसिक अम्ल की मात्रा कम हो, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने 1996 से ही कार्यक्रम आरंभ कर दिया था और उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन दूसरी समस्या आड़े आ गई। दरअसल जो किस्में विकसित की गईं, उसमें इरुसिक एसिड की मात्रा में कमी आई, लेकिन ऐसी किस्मों में तेल का उत्पादन भी कम होने लगा, यानी मकसद पूरी तरह से हल नहीं हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयास जारी रखे और अब जाकर उन्हें सफलता भी मिली है। पूसा सरसों 32 नामक जो नई किस्म विकसित की गई है, उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अच्छा होता है और इरुसिक एसिड की मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए तय मानकों के अनुरूप है। पूसा सरसों 32 का विकास ICAR की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने किया है। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर DK यादव ने बताया कि पूसा सरसों 32 से किसानों का भी फायदा है और इसके सेवन करने वालों को भी। उन्होंने कहा कि परंपरागत सरसों में इरुसिक अम्ल की मात्रा 40% तक होती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मानकों के अनुसार ये 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर DK यादव के अनुसार पूसा 29, 30, 31 किस्में पूर्व में भी विकसित की गई थी, लेकिन उन किस्मों में इरुसिक अम्ल की मात्रा कम होने के साथ साथ तेल की मात्रा भी कम हो गई। पूसा सरसों 32 में यह समस्या नहीं है, इस किस्म में तेल की मात्रा 38% तक है, जबकि पूर्व की किस्मों में यह 36% तक रह गई थी। दूसरे प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूसा सरसों 32 में 27.1 कुंतल है, जबकि पूसा 29 में यह 22.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर था। उन्होंने बताया कि नई किस्म में इरुसिक अम्ल कम है और तेल का उत्पादन अच्छा है, साथ ही ये 145 दिनों में तैयार होती है, जबकि अन्य किस्में 148 दिनों में तैयार होती हैं। किस्म में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की मात्रा भी संतुलित पाई गई है। पूसा सरसों 32 का सेवन पूरी तरह से स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। बता दें कि इरुसिक अम्ल की मात्रा का ज्यादा सेवन दिल के लिए नुकसानदायक माना जाता है। डॉक्टर यादव के अनुसार इस किस्म को पश्चिम भारत की मौसमी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान के लेखों, पत्रिकाओं एवं किताबों को उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। वैज्ञानिक विषयों के विकिपीडिया भी हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए कौन सी नई योजना शुरू की है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हिंदी में विज्ञान का विकिपीडिया तैयार करने का जिम्मा आईआईटी कानपुर और ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद को सौंपा है। ये संस्थान तकनीक और निजी विशेषज्ञों की मदद से विकिपीडिया पर मौजूद वैज्ञानिक लेखों के हिंदी में अनुवाद करके विकिपीडिया पर डालेंगे। इंटरनेट पर वैज्ञानिक लेखों को हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया है। इंटरनेट पर हिंदी में कई विषयों की जानकारी है, लेकिन जब वैज्ञानिक विषयों की बात आती है तो वह जानकारी बेहद सीमित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. आशुतोष शर्मा ने कहा कि आईआईटी कानपुर एवं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का इस परियोजना के लिए चयन किया गया है। वे वैज्ञानिक लेखों को हिंदी में रूपांतरित करेंगे। इसके लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। विशेषज्ञ गूगल के साथ साथ मशीन लर्निंग तकनीक या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हुए अनुवाद की जांच करेंगे कि वह सरल हिंदी में है या नहीं, उसके बाद ही उसे विकिपीडिया पर डाला जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हिंदी में ये प्रोजेक्ट सफल होने के बाद दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया जाएगा और विज्ञान के लेखों का क्षेत्रीय भाषाओं का विकिपीडिया भी तैयार किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान की जानकारी जरूरी है, लेकिन कोर्स की किताबों से लेकर सामान्य ज्ञान तक की किताबों और इंटरनेट पर विज्ञान की हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी नगण्य है। उन्होंने कहा कि डीएसटी द्वारा विकिपीडिया पर डाली जाने वाली सामग्री पूरी तरह से प्रमाणिक भी होगी। भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में बोरवेल भी सूखने लगते हैं। किसानों के लिए मुश्किल होती है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि अब बोरवेल से पानी निकल पाएगा या नहीं, मिलेगा भी तो कितनी गहराई पर मिल सकेगा। लेकिन इस समस्या का समाधान भी एक किसान ने ही तलाशा है। बीजापुर कर्नाटक के गिरीश भद्रागौंड ने एक ऐसा बोरवेल स्कैनर तैयार किया है जिससे आसानी से भूजल स्तर का पता लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ग्रास रूट इनोवेटर गिरीश भद्रागौंड के अनूठे इनोवेशन के पीछे की दास्तां भी अनोखी है। 2006 में बीजापुर में सूखा पड़ गया, नतीजा ये हुआ कि नलकूप यानी कि बोरवेल भी सूखने लगे। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया। किसान इस बात को लेकर परेशान थे कि बोरवेल में मोटर लगाकर पानी निकलेगा या नहीं। अब 200-300 फीट गहरे बोरवेल के अंदर झांके भी तो कैसे। गिरीश ने महसूस किया कि एक ऐसी किफायती डिवाइस होनी चाहिए जो बोरवेल के भीतर की स्थिति की जानकारी किसानों को दे। इसके बाद उन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। उसी साल उन्होंने एक उपकरण तो तैयार किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे प्रयास करते रहे। 3 सालों में यानी 2009 में उन्होंने एक नया बोरवेल स्कैनर तैयार किया। उन्होंने अपने गांव के बोरवेल में इसका परीक्षण किया तो पाया कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके बाद उन्होंने करीब 300 लोगों के बोरवेल की जांच की और किसानों को भूजल की उपलब्धता को लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। इस बोरवेल स्कैनर में कैप्सूल के आकार की एक स्कैनिंग डिवाइस लगी है जिसे बोरवेल में डाला जाता है। इसमें एक हाई डेफिनेशन स्कैनर, डिजिटल कंपास, टेम्परेचर मापक, दबाव नापने वाला सेंसर, पानी का प्रवाह एवं गहराई मापने वाला उपकरण, जीपीएस डिवाइस तथा एक एलसीडी स्क्रीन भी लगी है जिस पर नतीजे की जानकारी मिलती है। यह 600 फुट गहराई तक पानी की मौजूदगी का आंकलन कर सकता है। गिरीश ने आसपास के कई गांव में इस उपकरण के जरिए किसानों को बोरवेल स्कैनिंग की सेवाएं देनी शुरू कर दी। उन्होंने इस उपकरण का निर्माण भी शुरू किया जिसे बड़े टेक्नीशियन खरीदते भी हैं। रायचूर यूनिवर्सिटी ने भी गिरीश का ये उपकरण शोध कार्य के लिए खरीदा है। राष्ट्रीय इनोवेशन फाउंडेशन ने भी इस उपकरण की जाँच की और इसमें कई आवश्यक सुधार सुझाए। इस खोज के लिए गिरीश को 2015 में राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया।
जनविज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जनविज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।